ओके, अब हम ग्रुप डेटा के लिए भी कर सकते हैं, वी कैन क्वाइट इजीली कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो ये देखिए, ये हमारे पास है ग्रुप डेटा, ठीक है, ये हमारे पास है एक्स, ये है एफ, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। ये डिस्क्रीट सीरीज क्यों है? ये डिस्क्रीट सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें देयर इज नो फ्रैक्शन ओवर हेयर, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई इशारिया नहीं है इसमें, और ये इसका ग्रुप के नंबर्स हैं। 32 में 4 लोग हैं, 34 वाले 3 लोग हैं, 36 वाले 5 लोग हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट एफ एक्स, इसको सम अप कर लेते, इसका सम है ये और नंबर ऑफ पर्सन्स है ये, ठीक है, डिवाइड कर ले तो दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। नाउ टर्न टू द शॉर्टकट मेथड। अच्छा, ये हमारे पास वही डेटा है सेम, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज एफ, राइट, इसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। डी एक्स क्या है? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स की इन सारे वैल्यू से कोई एक वैल्यू माइनस करे, ओ वैल्यू माइनस करे जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ा हो, तो ये सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, सो दिस इज ए, ठीक है, ये आपका क्या है ए। रीजन ये है कि ये फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, सो दैट्स वाई यू सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम ईच एंड एवरी वैल्यू एंड यू विल गेट दिस वैल्यूज। सो आपने वेरिएबल, आपने अपने वैल्यूज को स्केल डाउन किया है बाई जनरेटिंग दिस वेरिएबल डी एक्स। अब आपने क्या करना है, डी एक्स के साथ एफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, 4 के साथ माइनस 8, 3 के साथ माइनस 6, इस तरह ये नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसको सम अप करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है क्या चीज़, दिस इज समेशन एफ डी एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूले के रिक्वायरमेंट्स है, एफ डी एक्स की वैल्यू ये है, समेशन 45 है, ये आपके पास है 40 प्लस एंड माइनस माइनस, इसको इस पर डिवाइड कर ले तो 0.84, और ऑल इज वही सेम 100% सेम आंसर आ रहा है। सो यू आर डन। नाउ वी टर्न टू द थर्ड मेथड विच इज स्टेप डिविएशन मेथड, आर यू कैन कॉल इट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड, लुक एट इट। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन वही सेम डेटा सेट है, ठीक है, इसका फार्मूला है ए प्लस समिशन एफ यू डिवाइड बाई समिशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, एच क्लास इंटरवल है जो कि हमारे पास में 2 है क्योंकि एक्स में 2 का गैप आ रहा है, तो ये गैप क्या है, क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आप डी एक्स जनरेट कर लीजिए जैसा हमने पिछले मेथड में किया, तो ये वही डी एक्स सेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक्स की हर एक वैल्यू से आप ये 40 माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, तो ये आपके पास डी एक्स कॉलम बन गया है। अब डी एक्स अगर आप डिवाइड कर लें एच पे, ठीक है, यानी 2 पे, तो आपके पास यू कॉलम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज किया है, एक्स से आपने यू बनाया है, अब क्या है एफ और यू कॉलम, इस कॉलम को और इस कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास यू एफ यू कॉलम बन जाएगा। अल्टीमेटली इसको सम अप कर ले तो इसकी वैल्यू आ गई है -19, ठीक है। तो ए प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू है ये, समेशन एफ की वैल्यू है ये, और एच हमारे पास 2 आ रहा है हमारे केस में, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वही सेम आंसर आपके पास 100% आ रहा है। एक बात नोट कर लेना चाहिए, अगर आपके डेटा में ये गैप कांस्टेंट नहीं है तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके पास क्लास इंटरवल ये कांस्टेंट होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।